हेलो, वेलकम बैक इन दीवान ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 7.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो पीछे वाले वीडियो अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो आप वहां से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और हमारी एक्सरसाइज कौन सी चल रही है 7.2। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, आप साथ साथ रीड आउट कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1.7 और 4.-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो इसका मैं छोटा सा एक बार डायग्राम बना देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास ये रेखाखंड है और एक बिंदु मैंने ये बोल दिया ए है, ये बोल दूंगा मैं बी है। ए के निर्देशांक है वो मेरे पास दे रखे हैं -1.7 और जो हमारा बी है जो मैंने माना है उसके निर्देशांक है 4.-3 और ये क्या कह रहा है 2:3 में विभाजित करता है। तो जब भी हमें ये दिया गया नहीं हो कि कौन से अनुपात में विभाजित करता है, अंतः अनुपात में करता है या बाह्य विभाजन करता है, तो मोस्ट ऑफ आपको अंतर विभाजन लेके चलना है। ओके, तो यहां से ये 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है किसको, ए बी को। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यहां पर एक बिंदु आएगा, वो बिंदु इन दोनों पॉइंटों को 2:3 में विभाजित करेगा, उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मैं इसको बोल देता हूं कि यह एक पी पॉइंट है। तो अंतर विभाजन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, अंतर विभाजन आपको पता हो तो अंतर विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m1x2+m2x1/m1+m2। यहां पे मैं आपको बता देता हूं बारी बारी से। यहां पे m1 का काम कर रहा है 2, m2 का काम कर रहा है यहां पे 3, x1 का काम कर रहा है -7, x2 का काम कर रहा है 4, y1 का काम कर रहा है 7, y2 का काम कर रहा है -3। सारी डिटेल अपने पास आ गई है, अब फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, सिंपल सा फंडा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं m1x2, तो यहां से आप देख सकते हैं m1 की वैल्यू है 2 × आपके पास में क्या है x2 की वैल्यू है हमारे पास में 4 प्लस m2 कहां गया अपना, m2 है 3, x1 है अपना -1, नीचे है m1+m2, m1 है 2+3, m1+m2 कितना है 2+3। यहां से चलो 2 4 जा कितना होगा 8, 3 1 जा 3, ये माइनस का है तो -3 अपॉन 2+3=5। यहां से आप देख सकते हैं 8-3=5, 5/5=1। यानी ये किसके निर्देशांक आए हैं, ये अंतर विभाजन के अंदर अक्ष के निर्देशांक आए हैं। यानी ये हमारा जो पी पॉइंट है इसके अंदर हमारा जो अक्ष है वो तो आ जाएगा 1। अब हमें वाई ज्ञात करना है, तो वो मैं निकालूंगा कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो यहां से दूसरा इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, जब वाई की फॉर्म में लिखेंगे तो m1y2+m2y1/m1+m2, यही चेंज है इसके अंदर और कुछ चेंज नहीं है। तो आप देख सकते हैं m1 कितना है आपका 2, y2 कितना है यहां पे, y2 कहां है -3, ये है ना y2-3 हमने अभी नोट डाउन किया था। उसके बाद प्लस m2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है मेरे पास में 7 अपॉन m1+m2। यहां से आप देख सकते हो 2 3 6 और साथ में है माइनस, यानी -6 प्लस 3 7 जाए कितना होता है 21 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5।
तो यहां से आप देख सकते हैं ये माइनस के 6 है, ये माइनस के सॉरी प्लस के 21 है, तो यहां से मेरे पास में कितने बच जाएंगे, 15 बच जाएंगे, अपॉन कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। यानी मेरे पास में वाई पॉइंट के जो निर्देशांक है, वाई पॉइंट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब मैं क्या कहूंगा यहां से, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, ये पूछा था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए बी को 2:3 में विभाजित करता है। तो ये जो फॉर्मूले हमने बारी बारी से लगाए उससे अक्ष की वैल्यू तो आ गई मेरे पास में 1 और वाई की वैल्यू आ गई 3। यानी पी पॉइंट के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, 1:3। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पी पॉइंट है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 1:3। ये इसके राइट आंसर है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको 7.1 ट्राई करनी है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान और राम राम।